प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के अधिकारियों के साथ बरसात में होने वाले जल भराव को लेकर बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने गुड़धुइया नाले की सफाई की समीक्षा करते हुए कहा कि नाले की सफाई का कार्य जल्दी पूरा कर लिया जाए। जनपद से कुछ पत्र प्राप्त हुए थे जिसमें नाले के चौड़ीकरण करने की बात की गई थी, जिस पर जल्द ही मुख्यमंत्री से बात करके धनराशि को स्वीकृत कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा नाला सफाई का कार्य जल्दी पूरा कर लिया जाए जिससे बरसात में कहीं पर भी जल जमाव ना होने पाए। वहीं गोरधोया नाले की सफाई के कार्यों की जानकारी देते हुए मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि नाले की सफाई हो जाने से 51% बरसात का पानी गोरधोया नाले में चला जाएगा जिससे शहर में जल जमाव की स्थिति नहीं होगी। इस अवसर पर मंडलायुक्त सभागार में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, नगरायुक्त अविनाश कुमार सिंह, SDM सदर कुलदीप मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जनपद गोरखपुर में सर गोधैया नाला है सर, तो वहाँ पे 100 वाटर ड्रेन का आता है सर और वो रामगढ़ पार करके उनको गुजरता है, तो उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए और वहाँ पे दोनों तरफ उस नाले को छोड़ा करने के लिए और उसके सर रोड स्ट्रेंथनिंग जैसे पुल बना के सर वहाँ गोरखपुर से भेजा गया है सर। मुझे लगभग सर 941 करोड़ का है, इसमें सर 352 करोड़ है वो तो सर कंस्ट्रक्शन ऑफ रीमॉडलिंग ऑफ नाला है और सर रोड स्ट्रेंथनिंग है, कंस्ट्रक्शन है, बाकी सर 572 करोड़ जो है वो लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट है। तो सर ये मार्च में सर वहाँ जिले से आया था, तो यहाँ पे जब आया तो सर हम लोगों ने पूरे प्राथमिक विकास में भेजा था इसको, तो पूरे प्राथमिक विकास कि ये ट्रीप का बड़ा कॉस्ट है तो सर कैसे हम लोग कर पाएंगे, तो वहाँ से सर 10 पॉइंट्स पर उन्होंने सर एलओसी मांगी जाती है 50 करोड़ से, तो मैं उन्होंने मांगी सर नगर निगम से हमें आ गए जो हम लोग फाइल पर तैयार है। तो सर परसों में सर काफ़ी विचार विमर्श हुआ था सर और ये तय हुआ था कि सर आपके स्तर पर एक बैठक मिले कि कैसे हम लोग उसको सर फंडिंग कर सकते हैं। सर जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है उसका क्योंकि सर हमारा जो अमृत योजना है वो तो सर मेनली वाटर सप्लाई सीवरेज का है, छोटा कंपोनेंट स्टॉर्म वाटर ड्रेन का भी है सर, रिजुवेनेशन ऑफ वाटर बॉडीज स्कीम में है, तो हम सर नाले का तो सर फिर भी हम लोग कर सकते हैं सर, लेकिन जो लैंड एक्विजिशन और ये सब रोड कंस्ट्रक्शन तो उसका नहीं आ पाएगा, तो वो इशू है सर। सर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉर्म वाटर ड्रेन के लिए सर, क्योंकि बारिश के पीरियड में सर करीब हमारा 51% ऑफ द शहर का एरिया आज के दिन में सर दैट गेट सर्व्ड बाय दिस नाला सर, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर ये पूरा एंक्रोचमेंट हो चुकी है कि अभी सर जो कुछ जगह पे सर 2.5 मीटर का विड्थ मिल रही है सर, कुछ जगह पे 5 मीटर का विड्थ मिल रही है सर,
सर इसके वजह से सर हम लोगों का जो पूरा नाले का पानी जो निकलना है सर वो निकल नहीं पाता है एंड दिस नाला सर विल गो ड्रेन इन टू रामगढ़ ताल सर, और क्योंकि सर हर जगह पर रुकता है और पानी सर नाले तक भी पहुंच नहीं पाता है, और गुर्दा या नाला तो सर पूरा सिल्टेड है सर, पूरा सिल्ट के वजह से भर गया है सर एक तो, दूसरा चीज़ है सर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है सर, और हम लोगों ने जब डॉक्यूमेंट्स भी चेक किया सर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस सर वो काश्तकारों के नाम पे है और कुछ लोगों ने सर प्लॉटिंग करके ऑलरेडी मकान भी बना चुके हैं सर, तो इस वजह से सर जब हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये डिस्कस किया सर उन्होंने ही कहा था सर कि इसको वाइडन करना पड़ेगा, तो 20 मीटर का नाला बनाने के लिए 10-10 मीटर के दोनों साइड में सर रोड बनाने के लोगों ने प्रस्ताव रखा है सर, सर दोनों साइड का रोड हम छोड़ भी देंगे सर बट 20 मीटर का नाला तो सर बनना तो बहुत जरूरी है सर, एंड सो दैट सर 51% का जो पानी का निकासी का है ये व्यवस्था होगा सर। सर इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज ये है लैंड एक्विजिशन में हम लोगों ने जो प्रस्ताव भेजा है सर करीब 132 करोड़ का सर, कि ये है सर भूमि का अधिकार है सर, सर भवन का मूल्यांकन थोड़ा ज्यादा है सर दैट इज अराउंड 137 एंड सर जो सेलोशियम हम लोग दे रहे हैं सर वो थोड़ा ज्यादा किया गया है सर, मैंने अभी डिस्कस कर रहा था सर इसमें थोड़ा बहुत हम लोग कम भी करा सकते हैं।